शनिवार और रविवार को शहर में जनता कर्फ्यू की घोषणा की। जनता कर्फ्यू के पहले दिन ही महापौर संदीप जोशी इन्होंने शहर के शंकरनगर महल और विविध जगहों जाकर जनता कर्फ्यू का जायजा लिया और लोगों में जन जागृति की। कहूँगा नागपुर की जनता को कि उन्होंने जनता कर्फ्यू को अच्छा प्रतिसाद दिया है। ये जनता कर्फ्यू एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि नागपुर में पिछले अनेक दिनों से एक संभ्रम चल रहा है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं। अब लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए ऐसा मैक्सिमम ने 100% जनप्रतिनिधियों का मत है। तो लॉकडाउन अगर लगाना नहीं है तो हमने सबने अनुशासन का पालन करना बहुत अत्यावश्यक है। अब अनुशासन का पालन यानी क्या है कि हमने अत्यावश्यक न हो तो हमने घर के बाहर निकलना नहीं है, हमने मास्क पहनना है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ऑड इवन हो या सरकार के कोई भी दिशा निर्देश है तो उसका हमने पालन करना अत्यावश्यक है। इसलिए ये प्रयास है कि आज और कल दो दिन जनता कर्फ्यू हो, जनता का खुद का इन्वॉल्वमेंट रहे। सोमवार से लेके गुरुवार तक सारे राजकीय पार्टी के जनप्रतिनिधि, विधायक, खासदार शहर में उतरेंगे, जनता को आह्वान करेंगे और उसके बावजूद भी अगर जनता अनुशासन का पालन नहीं करती तो 31 तारीख को फिर लॉकडाउन के बारे में विचार करेंगे। ये बताइए, नागपुर हमेशा मॉडल के रूप में काम करता आ रहा है, नागपुर की अपनी एक देश के अंदर में पहचान है, तो ये नागपुर का मॉडल पूरे देश में बना रहे इसके लिए नागपुर को लेकर, जनता को लेकर आपने जो प्रयास चलाए हैं, किस प्रकार से आपका दिल से आह्वान है कि कैसा ये मॉडल विकसित होगा? देखिए, नागपुर ने अक्सर अपने आप को देश के सामने रखा है। अगर हमने प्रयास किया तो हो सकता है, अगर मैंने प्रयास किया तो हो सकता है, आप सभी ने प्रयास किया तो हो सकता है। तो इसलिए प्रयास ये जरूरी है। और कोरोना को अगर हद पार करना है तो अनुशासन के सिवा और कुछ भी नहीं है। अनुशासन का पालन किया तो कोरोना हद पार, और अनुशासन का पालन अगर नहीं किया तो कोरोना के साथ में हम हमारे घर में लेके जाएंगे कोरोना को। एक चीज़ हमने और आपने समझना चाहिए कि हम कमाते किस लिए है। तो जो हमारे बच्चे हैं घर पे उनके लिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माँ बाप है घर पे उनके लिए, अगर कल वही हमारे साथ में नहीं रहे तो ये कमाने का, ये बाहर निकलने का इसका फ़ायदा क्या रहेगा, इसके बारे में हम सभी लोगों ने सोचना चाहिए। संदीप जी, अभी भी जो लोग चोरी छिपे दुकानों को खोल रहे हैं, चला रहे हैं, तो क्या पकड़े जाने पर कोई एक कार्रवाई होगी या? महानगर पालिका ने, पुलिस प्रशासन ने 5,000 रुपये का दंड करने का तैयारी की है। मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो परिसर में अभी 4 जगह पे दंड भी हुआ है। उनको भी प्रार्थना है कि कृपया ये मत करिए, आपसे भी ज़्यादा गरीब लोग जो है वो इसमें सम्मिलित है, उन्होंने अनुशासन का पालन करना तय किया है, आप भी करिए। धन्यवाद।